हेलो फ्रेंड्स, ईडी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हमारी बात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की पार्ट टू एग्जामिनेशन के बारे में होगी। 2021 से 2024 सेशन के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इंग्लिश ऑनर्स रखे हैं, जिनका पेपर थ्री है, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश ऑनर्स की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारा आंसर गेस पेपर से मैच नहीं करे और हमारा आंसर बहुत अच्छा रहे, जिससे हम लोग को ज़्यादा नंबर मिलने का चांस है। जो पहला क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड टू। ये VVI क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से ही हम ये सारा प्ले समझने का कोशिश करेंगे। एडवर्ड टू इज अ प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, वाज नोन एज किट मार्लो। एडवर्ड टू एक प्ले है जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, जिन्हें किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड द ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। वो एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथन एरा पे। एलिजाबेथन मतलब क्वीन एलिजाबेथ के एरा के टाइम के वो एक जाने माने पोएट थे, प्ले राइटर थे और ट्रांसलेटर भी थे। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम शेक्सपियर। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि वो विलियम शेक्सपियर से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, मतलब प्रभावित थे। यहाँ इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होना प्रभावित होना होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है आंसर में, एक आंसर कंप्लीट हुआ एलिजाबेथन एरा पे जहाँ फुल स्टॉप है, वहाँ से मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज किया है, स्टैंजा चेंज किया है। आप भी वही करिए या ऐसा ही कुछ करके अपने आंसर को एक्सप्रेसिव बनाइए, कहानी लिखने से बचिए। अब इस पोएट के बारे में हम कुछ नोटेबल वर्क्स भी डालेंगे। हिज नोटेबल वर्क्स आर डीडो क्वीन ऑफ कैथरेज, डॉक्टर फोस्टस, हीरो एंड लिएंडर। इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो ऐसे हैं, और जो नोटेबल वर्क्स है उसको कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट वाइज लिखने के लिए, इससे आपका पेज भी जल्दी फिल होगा और आपको उतना लिखने से भी बचेंगे। हम लोग का कोशिश रहेगा कि कैसे चार पेज में एक अच्छा सा समरी के साथ, जिसमें बॉडी, इंट्रो बॉडी, उसके बाद कहानी, और उससे हम लोग क्या समझे जो कंक्लूड है, उसको हम लोग कैसे करें, ये हमारा कोशिश रहेगा। ही वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। उनको उनके ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स जो उन्होंने स्थापित किया था, उसके लिए भी उनकी खूब सराहना हुई। अप्रिशिएटेड मतलब सराहना, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, तो उनको इस बात के लिए सराहना मिली। अब जानेंगे कि ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स है क्या। तो ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड पोयम है। जैसे हम लोग पोयम पढ़ते हैं तो उसमें वो राइमिंग वर्ड्स हम लोग देखते हैं, लेकिन ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स उसको कहते हैं जो अनराइम्ड पोयम होता है, जिसका वर्ड मिलता नहीं है बट वो सुनने में अच्छा लगता, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। द फाइव एक्ट प्ले एडवर्ड टू इज रिटन इन 1590 एंड वॉज पब्लिश इन 1593। ये जो प्ले है ये एक फाइव एक्ट प्ले है एडवर्ड टू, और इसको 1590 में लिखा गया और इसको पब्लिश किया गया 1593 में। दिस प्ले हैज अ पर्टिकुलर फुल नेम विच इज द ट्रबलसम रेंज एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ द एडवर्ड द सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर। द प्ले और स्टोरी स्टार्ट्स पियर्स गॉवस्टन इन एक्साइल फ्रॉम इंग्लैंड इन हिज नेटिव फ्रांस। ये जो प्ले है, जो स्टोरी है, वो स्टार्ट होता है पियर्स गॉवस्टन से, जब वो एग्जाइल में थे, यानी उनको उनके नेटिव प्लेस फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया था। ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एडवर्ड टू। उनको एक दिन अपने जो बचपन के दोस्त थे एडवर्ड टू, उनका एक लेटर मिला, यानी खत मिला। एडवर्ड टू के बारे में जानते हैं हम लोग। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एडवर्ड टू हैज बीन क्राउंड एज द न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड। एडवर्ड टू के जो पिताजी थे उस समय वो राजा थे, लेकिन जब उनका देहांत हो गया, जब वो मर गए, तो एडवर्ड टू को उनके जगह पर
नया राजा बना दिया गया इंग्लैंड का। ये जो लेटर था जो वो एडवर्ड टू अपने दोस्त पियर्स गॉवस्टन को लिखे थे वो उसी बारे में था, क्योंकि पियर्स गॉवस्टन निष्कासित कर दिए गए थे इंग्लैंड से, लेकिन एडवर्ड टू जब राजा बने तो उन्होंने अपने दोस्त के सजा को माफ करने के बारे में सोचा। तो ये लेटर लिख करके उनको यही इन्फॉर्म करना था कि उनका जो एग्जाइल है वो रिवोक कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट था इस प्ले के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आया ताकि कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसके बारे में और अच्छे से जानकारी आप लोग को दे सकें। और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और अगर इंगेजमेंट बढ़ेगा तो एक नया पार्ट फिर से लेकर के आएंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग हमारा पेपर 3 5 से 10 दिन में खत्म कर लेंगे। धन्यवाद। ईडी अपडेट्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे जो इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। थैंक यू।